हाय गाइस, तो जैसा कि वही हुआ, ये अगला दिन है और हम आपको खाना खाने के बाद का नहीं दिखा पाए क्योंकि हमको नींद आ जाती है। तो आज हमारा प्लान है भोपाल के कुछ बची कुची जो जगह थी, जैसे एक वन विहार, तो हम एक छोटे से वन का विहार करेंगे और वहाँ के शॉट्स लेंगे और कुछ ऑथेंटिक स्पेशल फेमस पॉपुलर डिशेस हैं उनके क्लोजअप शॉट्स लेंगे, जो कि नॉन वेज है। और जो कि नॉन वेज है उनका नाम मैं मतलब अचार गोश्त और रोगन जोश करके ऐसे कुछ करके है है और फेमस पान है तो वो भी हम लेंगे। तो क्या होता है क्या होता है। तो बस चलते हैं अभी। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। ओ यार, उड़ के गया था। ऐसे हो रही है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी। ये देखो, एक एक शॉट के लिए इतना पेशेंस रखने पड़ रहे हैं ना हम लोगों को, और ऐसे धीरे धीरे बात करनी पड़ेगी। गाड़ी चलाने में भी डर लग रहा है। तो खतरनाक एक शॉट ये वाला, अभी एकदम करीब है हमारे। ऐसे शेर वगैरह दिख जाए तो मज़ा आ जाए। ओके सो 1 से 1.5 घंटा हो गया ऑलमोस्ट, और हम लोग इसके लिए बैठ कि ये वाइट टाइगर जनाब उठ जाएं और हमें एक पोज दे दें। अब देखो, आज हमें समझ में आया कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कितनी ज़्यादा टफ होती है। ना इनकी शक्ल उतरी हुई है क्योंकि थका दिया है इसने हमें। हमारी हालत देखो क्या हो रहा है, हम काले पीले नीले। ओके तो फाइनली हमने जो शॉट लिया है वो मतलब ख़तरनाक ही था। वाइट टाइगर हमारे लिए खड़ा हुआ, बैठकर पोज दिए, खड़े होकर पोज दिए। 1.5-2 घंटे की मेहनत रंग लाई, हम खड़े रहे धूप में छाँव में, शॉट लेते रहे बैक टू बैक, पर फाइनली कृष्णा ने उसको खड़ा करवाया और हमारे लिए शॉट दिलवाया। कैसा लग रहा है? नैन की शक्ल बता रही है कि मतलब क्या ही बोलें अभी। चलो खाते हैं बस, उसके बाद फिर हम जाएंगे बिरला म्यूजियम। पर भैया आज कसम की नींद आएगी। चलो बाय बाय। तो गाइस अभी हम आए हैं ओल्ड भोपाल में, यही है क्या द इंडियन टी हाउस? इंडियन काफ़ी लोग टी हाउस जो कि ज़्यादा पॉपुलर है। हम ओल्ड भोपाल गए और हम उन शॉप्स पर गए जहाँ पर ये सारी डिशेस बनती है। हमने उनके ओनर से बात करी और सब कुछ पता करे कि कौन सी फेमस चीज़ जिसका हमें शूट करना है उसका क्या टाइमिंग है। वहाँ पे डेज़ के हिसाब से भी ये बनती है कि इस दिन वही वाली डिश बनेगी, एक दिन वही वाली डिश बनेगी, और टाइमिंग भी है। जैसे हम पान का शूट करना रात में गए क्योंकि वो सिर्फ 3 घंटे के लिए दुकान खुलती है। तो ये सब हमने पता करा सबसे पहले, उसके बाद फिर हम आगे बढ़े। 5 hours later। तो गाइज हम क्या घर तो आ ही गए थे। हेलमेट पहन रहा है क्या? हाँ पहन लूँगा मैं, चलते हैं मैं। चल तो वापस जा रहे हैं अभी सिर्फ एक शॉट लेने के लिए। तो गाइज हम रात में 30 किलोमीटर का चक्कर लगाने जा रहे हैं क्योंकि हमको लेना है सिर्फ एक शॉट, और वो मिलेगा सिर्फ इसी टाइम पे, और वो है फेमस भोपाली पान का। फाइनली हम लोग आ गए हैं, जो जो हमको शॉट लेना था वो हम लोग लेने आए हैं यहाँ पर। कहाँ पर आए हैं ऐसे, इसमें अपोजिट दिखेगा थोड़ा उल्टा, मिलन कॉर्नर करके, मिलन पान। और ये जो हैं ऑनर हैं, इनका नाम है देवेंद्र जैन, और लकीली दुकान खुली मिल गई हमें जान में जाना ही। फिर उसके बाद हुआ ऐसा कि जैसे ही आए तो कैमरे में प्रॉब्लम हो गई थी, मेमोरी कार्ड के लॉक में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, और हमारी तो हलक में आ गई थी कि भाई साहब 60 किलोमीटर का हो जाएगा ये पूरा अगर यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं हुआ तो, और इसके बाद अलग से फिर से आना पड़ेगा। बट हमने फिर एक कॉल किया और उसके बाद फिर चीज़ें सॉर्ट हो गई, और अब हमने काफ़ी अच्छे शॉट्स ले लिए यहाँ पर, और लेट्स सी कि शॉट कैसे आएंगे डॉक्यूमेंट्री में। और अभी हम पान खाने जा रहे हैं, अंकल हमारे लिए रेगुलर पान बना रहे हैं जो कि उनका बड़ा फेमस है, और ये शॉप का काफ़ी अच्छा अनोखी है ये पान की शॉप। 3 घंटे खुलती है सिर्फ सादे पान के लिए। ऐसे दैनिक भास्कर का भी एक कटिंग है, पीपल समाचार, फ्री प्रेस वगैरह में मीडिया में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं, चर्चित हैं, और ये भोपाल का एक माना जाना पान पार्लर है। तो आप बिल्कुल जब भी भोपाल आएँ डेफिनेटली यहाँ ट्राई करें। यह पड़ता है बुधवारा में, ठीक है, और आप मिलन पान करके अगर लोकेशन पर डालेंगे, गूगल मैप पर लोकेशन डालेंगे तो आ जाए। थैंक यू अंकल जी, जी धन्यवाद। तो हमने वहाँ पे पान खाया
और भैया उस दिन ठंड बहुत ख़तरनाक थी। हम बाकायदा इनर वगैरह सब कुछ पहन के गए थे, उसके बाद फिर वापस घर को निकले अगले दिन क्योंकि और कहीं भी जाना था। Check the mic and make sure it sound right, boy. घर आ चुके हैं और अब थोड़ी सी बहुत प्लानिंग करते हैं, उसके बाद सोएंगे। The next day. Hi guys, तो हमेशा की तरह ये वाला हमारा अगला दिन है और अभी हम प्लान कर रहे हैं सतपुरा जाने का, तो उसी के लिए पैकिंग चल रही है अभी। ये देखो हमने सारा फेलारा कर दिया है अभी और भी करेंगे, तो इसका फिर आप हाइपरलैप्स देखो हम क्या क्या करते हैं। ने अभी हाइपरलैप्स देखा तो उससे आप समझ सकते हैं कि हमको कितनी जल्दी थी जाने की, पर ये तो लाइफ है और लाइफ में सडन चेंजेस और प्लान में सडन चेंजेस हमारी इस जर्नी में आम बात हो चुकी है। और अभी जो प्लान करा था हम वहाँ नहीं जा रहे हैं, डाटा अपलोड करेंगे सबसे पहले और उसके बाद फिर निकलेंगे। तो गाइस हमारा टाइम अब शुरू हो गया है हमारी पूरी ट्रिप का, और हमारे पास सामान देखिए आपको बताता हूँ। ये शुभम भैया का बैग, काले काले हैं। दो हेलमेट, एक बैग और एक मैंने ये पीछे या। सब में लबालब सामान है, इक्विपमेंट्स वगैरह हैं, कुछ कपड़े हैं। फिलहाल गाड़ी धुलवाई जा रही है। Two hours later. हम वापस घर आ गए और कहानी में ट्विस्ट है वो बताते हैं आपको। हमारा हम क्या घर आ गए थे और वाईफाई हमें कहीं पर मिला नहीं, डाटा अपलोड नहीं कर पाए, पर कुछ ऐसी भगवान ने ऐसा कुछ रचा सारा प्लान कि अब हम सतपुरा जाकर ही डाटा अपलोड करेंगे। और वो हमारे से पूछो ही मत मैंने क्या क्या हुआ है, अभी तो हम वहाँ जाते हैं। Check the mic and make sure it sound right, boys.